कोई इंसाफ कोई न्याय कार्य संतुष्ट जनक है ही नहीं। अमीर आदमी सुनाई है, गरीब आदमी कोई सुनाई नहीं। वो पैसे वाले या बाहुबली की तरफ उनका झुकाव हो जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मजबूरी है, दबाव में रहे जी। वहाँ 20 गाली खाने को मिलती है, सज्जन आदमी वहाँ ठहर नहीं सकता। दबाव है ना, उससे लोग बिगर पैसे को भेजते नहीं। पैसा ले लिए, हालांकि जी हम कोई भी कार्यक्रम अगर हम करेंगे तो बिना पैसा के नहीं हो सकता। बिना रिश्वत के काम नहीं, बिना घूस कोई काम नहीं होगा। भाई पुलिस खान की है, पैसा दे दो, चाहे 300 बनवा लो, 300 जो चाहे वो बनवा लो, वहाँ जाकर पैसे ले लेते हैं। पैसा ले लिए, हालांकि जी हम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और हमारे पंच फैसले ही हुए। बिना घूस कोई काम नहीं होगा। पैसा दो नहीं तो गाली इनकी इतनी खतरनाक है सबसे ज्यादा, और हमने भी पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि मजबूरी है, अगर नहीं देंगे तो काम होगा नहीं। बिना रिश्वत के काम नहीं चले, मतलब सब रिश्वत दे दें जब तो मतलब ये है वह मैं सही बोल जाना तो दूर मार अगर पैसे तो बात नहीं करते जी। फिर एक घन ले जाकर बोले न के 2000 रुपए हैं तेरे जेब में, 100 रुपए दिखाओ दरखास्त में, 100 रुपए जमा कर दियो। 600 रुपए अपने हाथ में, मेरा खनाक बयान लिया गया। हवलदार को 900 एक बार दिया, 600 रुपए एक बार दिए, 100 रुपए दीवान को। किसी घर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो भाई 100 रुपए दे दे, 200 रुपए दे दे, तेरा मैं काम करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। पैसे लिए 5000 रुपया, जब FIR दर्ज कराई जब लिए, और जब इनका फैसला कराया उसके साथ में मतलब ये है कि फिर पैसे लिए इनसे। उसने 3.5 किला जमीन बह करके पुलिस को खिला दी और दलालों को खिला दी, तब ये केस बनवाया। 1500 वाल्मीकि इनके बारे में कोई नहीं चल पे ना, पुलिस हमारी कार्रवाई करती नहीं, कोई उन्हों कहेंगे आप भी जमादार, इस वजह चाय नहीं देते। हाँ दूध नहीं, मना कर देते, नलन से कोई हाथ नहीं लगा देते, मांगे से पानी नहीं देता, कोई मोल टैंकरों से भरवाते। कंप्लेनेंट है उसको हम रिसिप्ट देते हैं ताकि उसको धक्के ना खाने पड़े, वो जब भी चाहे जहाँ जाए, अगर हमारे भी कोई उसको कंप्लेंट करनी हो तो किसी ऑफिसर के सामने जाके ये कह सकता है कि हमने ये दरखास्त मांग दी। आपके अनुसार पुलिस कर्मी का क्या काम है? किसी भी लाचार आदमी की हेल्प करना, जायज बात के पीछे तरीके से पेश आना, जिसका भी जो गुनाह उसको उस गुनाह की सजा दी जाए जायज तरीके से। यही करना चाहिए जी, अगर गांव में कोई ऐसी वो हो गया तो गांव में आके तफ्तीश भी करे उसकी। चिनाई विनाई का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी किसी की मिल जाए। और ये तो बच्चा है, कहां उसकी उम्र भी तो कुछ भी नहीं, 21 साल की उम्र थी मैडम। चोर डकैतन ने तो मारा ना बेटा, पुलिस भगत बेटा मार दियो, दानों कानो कमाने वाला। पूछताछ करके तसल्ली से आराम से गर्दन तोड़ रखी बताई, दांत भी तोड़ रखे दो, कपड़े उंगली उनका मांस नाखून ये भी ले रखे थे हाथों में से, चारों ओर से गोली मारी है। ये तो ही बताई, मैं छोर बता रहा रीढ़ खड्डी भी देखी, और एक ही बताई दाग में खून ना रुक बताई है ना उसका कौन। मेरे बच्चे का नाम नहीं अखबार में, नहीं मेडिकल में, नहीं मेरे बच्चे का नाम FIR में। तू घबरा मत, DSP ने मोसू वहाँ ने कही अम्मा तेरी मदद करवा दूँ मैं, दे बेटा मैं सुमें पता तेरी 10-5 लाख रुपया की मदद करवा दूँ अम्मा, हमारा हाथ सू मरना है वो, अब मरगा अब क्या करेगी तू, अब क्यों ढूंढ रहे। DSP ने बोला पलवल के मौत तो आई किसकी और आ गई तेरे बेटे, कार्रवाई कुछ ना की, आवे ही चली जाए, आवे चले जाए, मैंने पैसे दिया मेरे वजह से आ गई, वन दूसरा पैसे दिए वो मेरे पे आ गई। खाली पर्चे पे लेते हैं पहले वो FIR लोड नहीं करते सीधे सेट। 10 रोज हो गए मैडम, इतने इतने से बच्चों पे 307 बना दी। मतलब कोई भी कार्यक्रम अगर हम करेंगे तो बिना पैसे के नहीं हो सकता। थाने में कोई इंसाफ कोई न्याय कोई प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं मिलता, और मेरे पे सारे हाई कोर्ट तक के ऑर्डर रखे हैं बगैर सुनाई के, फिर उसको जो है चलाने की परमिशन दे दी जो कि बिल्कुल इल्लीगल, अब वो आज भी चलता है तो न्याय कहाँ है बताओ। सबसे बदतमीजी से पेस आती है हरियाणा की पुलिस आती है, किसी स्टेट की पुलिस नहीं आती, सबसे ज़्यादा बदतमीजी से पेस। पुलिस के खिलाफ कोई भी नहीं बोला थाने में जी, अमीर आदमी को सुनाई है, गरीब आदमी कोई सुनाई नहीं है। पैसा है तो इज्जत है जी, अगर हम गरीब आदमी हैं और दूसरा कोई हमारे पक्ष में जिससे झगड़ा हुआ है वो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है तो जीत उसकी है, हमारी जीत नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, दिन में भूची जाऊँ पुलिस के आगे और थाना के आगे, चल चल कोई जब सही है। जो परसेंट है वो अन्याय करते हैं लोगों साथ, जैसे पासपोर्ट वगैरह बनते हैं जी, इसमें बिगर पैसे का वो जो है ना जो डॉक्यूमेंट जाते हैं पासपोर्ट बनने के लिए, बिगर पैसे का नहीं भेजते, किसी भी जो है जो कंज्यूमर है जिन्होंने पासपोर्ट बने
कि वो जो इंक्वायरी के लिए आते हैं कि पुलिस पे इंक्वायरी आती है तो उसमें बिगर पैसे को भेजते नहीं। SSP, DSP और DG साहब चंडीगढ़ को भी मैं उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु लिखा, परंतु नगीना पुलिस ने वाहन मालिक से मिली भगत करके और कार्रवाई नहीं की। एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे एक मार्शल से, चोटे मेरे जो है ना 6-7 लगी, कम मात्र 8 चोटें लगी हुई, और मेरा एक्सरा, पैर का एक्सरा, यहाँ का एक्सरा, इसमें लिखा हुआ सारा कुछ एक्सरा। उन्होंने कहा था कि अगर पैसे नहीं दोगे तो केस ठीक ढंग से नहीं बना पाएंगे हम। तो मैं तो हॉस्पिटल में था, अनपढ़ परिवार फैमिली है हमारा, लेकिन उन्होंने पैसे दे दिए। पुलिस वालों ने उनसे रिश्वत लेके, मात्र मार्शल वालों से और मालिक से रिश्वत लेके आपस में, और वो ऐसे ही गोला मोड़ करते रहे सारा कुछ जो है। होते हुए फिर मैं जो DG साहब को मैंने पत्र लिखा चंडीगढ़, और उससे मैंने फ़ोन पर बात करी। उन्होंने मुझे जो है आश्वासन दिया कि भाई मैं मात्र 10 दिन में आपको जो है सारा कुछ करवाता हूँ। उन्होंने जो है कहा कि DSP साहब से मिलो। मैं DSP साहब से मिला फिरोजपुर, उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं कराता हूँ। लेकिन आज तक सर कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई, और मैं 3 साल हो गए। अब मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा हुआ है वो उसको ताश की गड्डी दिखा दिया, ये जुआ खेल रहा था जी, और अभी तारीख चल रही है उसकी, कैसे भुगता रहा फर्जी ऐसे चलता है, पैसा नहीं देता चल अंदर, इसलिए पुलिस खिलाफ नहीं बोलता, वो कुछ भी डाल देते हैं, कट्टा लिखवा दिया, क्या करोगे, बजाओ तारीख, भुगतो, मार डंडे खाओ। नहीं तो कट्टा लाते कहाँ से, वो पुलिस वाले के पास कमी है इन चीज़ों की थाने में। नहीं वो तो लाइसेंस ही होता है उनके पास भी होता है। अरे एरे गेरे पकड़ते नहीं है वो लोगों के पास से, उनके पास गोदाम बड़ा होता है, वो ही दिखा देते हैं ये पकड़ा है, हाँ कुछ भी मतलब कर देते हैं बस, हाँ कुछ भी मतलब। हमारा काम जो है ज्यादातर वो है कि लोगों को कानूनी जागरूकता देना, लोगों को कानून के बारे में बताना। लेकिन उनका काम अब टेढ़ा है हमारी सहायता के बजाय, वो एक दूसरे को इधर उधर की पट्टी पढ़ा के, मैडम केस भी पुलिस ही डलवाती है। चोर तो खुले घूमते हैं, और जो मतलब ये कि शरीफ आदमी पुलिस उन पे ही हावी। जब कोई आदमी बढ़िया आदमी जाएगा, सज्जन आदमी वहाँ ठहर नहीं सकता, एक मिनट दलाल किस्म का आदमी जरूर वहाँ ठहर जाएगा, कार्य संतुष्टजनक है ही नहीं उनका। ससुराल वालों ने झूठा बनवाया था तो उसके जो सबूत पेश किए तो फिर वो झूठा निकला, कैंसिल कराया तो उसमें पुलिस ने पैसे लिए थे कैंसिल करने के। जनाब कोई पुलिस वाले लेते पैसे, हद पैसे लेते हैं, और अनपढ़ जैसे हम जैसे अनपढ़ जो सीधा मियां उनसे तो मतलब बात नहीं करते, क्या थानेदार बात नहीं करते, ठीक है ना। मैं 3 में दरखास्त दिया हूँ रपट की, और 100 रुपए जमा कर लिया, एक दिन नहाया फिर मैं उसी लग लेगा हूँ, मैं भाई सब उठ के ना रहा भाई, के ना के हो कोई इज्जत नहीं। बस ये है उल्टा सीधा कोई पुलिस से मुकाबला नहीं कर सकता। दो पार्टी होती है जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वह कहता है पुलिस ने पैसे खाए हैं। मुकदमा दर्ज हो जाएगा, दोनों पार्टियों को बुलाए जाएगा, तलाक हो जाएगा। हेलो क्या था वो यहाँ तो लिख के देंगे हमारा, जैसे मुकदमा दर्ज करा दिया, हम पार्टी को बुलाएंगे दोनों पार्टियों को, और पंचायत में उनकी तलाक की बात आ जाएगी। चोर को अगर बोलेंगे चोर जी आइए चाय पीजिए, बताइए आपने चैन खींची थी, वो बताएगा। हम भी इसी समाज के हैं, धोती वालों को जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपकी किताब किसी काम की नहीं है। मुकदमा दर्ज हो जाए